हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, LDC और GDC के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का कॉमेंट आ रहा था, पर्सनल मैसेज भी आ रहा था कि सर, हम लोग का गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम है, मुरादाबाद डिवीज़न में है, उसके बाद आपका त्रिवेंद्रम डिवीज़न में है, तिनसुकिया डिवीज़न में है, रायपुर डिवीज़न में है। तो चार पांच डिवीज़न वाले लड़के का कमेंट आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सर गुड्स गार्ड के LDC पेपर को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, उसी का एक छोटा सा प्रयास है। यह एग्ज़ाम आसनसोल डिवीज़न में 5 मार्च 2023 को यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 55 थे। बहुत सारे डिवीज़न में 55 क्वेश्चन का भी होता है, एक क्वेश्चन का दो अंक रहता है, 110 नंबर का, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। प्रश्न संख्या दो, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाथी। प्रश्न संख्या तीन, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 17। प्रश्न संख्या चार, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या पाँच, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री अश्विनी वैष्णव जी। प्रश्न संख्या छः, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। प्रश्न संख्या सात, पूर्व रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। प्रश्न संख्या आठ, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। प्रश्न संख्या नौ, CLW किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या दस, पूर्व रेलवे में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुल चार मंडल हैं यानी डिवीजन। प्रश्न संख्या 11, सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जा गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय रेलवे यानी जोनल रेलवे के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, इनके द्वारा विशेष निर्देश जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PCOM। प्रश्न संख्या 13, रेलवे सेवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना अपने ड्यूटी का आदान प्रदान कर सकता है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 14, बी क्लास स्टेशन के लिए टू एस्पेक्ट सिग्नल के साथ ब्लॉक ओवरलैप होना चाहिए कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। प्रश्न संख्या 15, स्टेशन सेक्शन किस श्रेणी के स्टेशनों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी स्टेशन में। प्रश्न संख्या 16, आसनसोल मंडल के सीतारामपुर झाझा खंड में कार्य प्रणाली किस टाइप से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिग्नल में पी मार्कर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनर डिस्टेट सिग्नल। प्रश्न संख्या 18, कौन सा निर्णायक प्रमाण है कि ट्रेन मेन लाइन से गुजरेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनर डिस्टेट सिग्नल हरा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को रिसीव करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। प्रश्न संख्या 20, IBP का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट। प्रश्न संख्या 21,
निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल संटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी यानी कि आउटर, होम और अंतिम स्टॉप सिग्नल, इनमें से कोई संटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैश साइडिंग। प्रश्न संख्या 23, रात्रि में सफेद प्रकाश को क्षैतिज रूप से तेजी से लहराने का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रुक जाए। प्रश्न संख्या 24, बीटीओ का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोहरे के मौसम तय करने के लिए। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, T/369/3। प्रश्न संख्या 26, कोहरे के मौसम में दृश्यता में कमी के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 27, इंजीनियरिंग विभाग ने कुछ गति प्रतिबंध लगाए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड उस बिंदु से 1200 मीटर की दूरी प्रदान किया जाता है जहां गति प्रतिबंध शुरू होता है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सावधानी सूचक बोर्ड। प्रश्न संख्या 28, संटिंग ऑर्डर के रूप में किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, T/806। प्रश्न संख्या 29, आपने ट्रेन में आग देखी और ड्राइवर के खतरे का सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन के कर्मचारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि प्रभावित वाहन को दूसरे वाहन से कितनी दूरी पर अलग किया जाना चाहिए, आप किस दूरी का सुझाव देंगे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 45 मीटर। प्रश्न संख्या 30, क्लोज सर्किट जांचे गए रेक की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन पहले। प्रश्न संख्या 31, एक माल शेड में पार्टी ने माल को वार्फ से हटाने के लिए रेलवे द्वारा अनुमत खाली समय से अधिक समय लिया, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क पार्टी से वसूल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वार्फेज शुल्क। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के किराया में लीन और पीक सीजन में न्यूनतम किराए में कोई अंतर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा यानी सेकेंड AC। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 33, यदि कोई यात्री अपनी आरक्षित टिकट चार्ट बनवाने के बाद लोकल ट्रेन के प्रस्थान से 2 घंटे पहले वापस कर रहा है तो उसे कुल कितना रिफंड मिलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोई रिफंड नहीं। प्रश्न संख्या 34, न्यूनतम किराया निम्न स्थितियों में लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोनों यानी कि PTO या बाल टिकट दोनों में। प्रश्न संख्या 35, MVST का क्या है? तो इसका सही जवाब हो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मासिक विक्रेता सीजन टिकट। प्रश्न संख्या 36, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे। प्रश्न संख्या 37, पहचान पत्र सह रेलवे पास निम्न के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MP के द्वारा। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सी श्रेणी 3rd AC में 100% रियायत का लाभ उठा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैंसर के रोगी। प्रश्न संख्या 39, मान लीजिए आपकी ट्रेन के महिला डिब्बे में कोई नर यात्री यात्रा करता हुआ मिलता है, TT और यात्री के बीच रेलवे अधिनियम की धारा के बारे में बहस हुई जिसके तहत TT जुर्माना लगा रहा है, TT ने आपकी मदद मांगी, आप किस धारा का सुझाव देंगे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 162 प्रश्न संख्या 40। आपके पास प्रथम श्रेणी का पास होना चाहिए। आपको अपने साथ डिब्बे में कितने सामान निःशुल्क ले जाने की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 70 kg। प्रश्न संख्या 41। मान लीजिए कि एक यात्री एक नए प्रकार की 500 cc मोटरसाइकिल बुक करना चाहता है। पार्सल क्लर्क प्रभार वजन के बारे में उलझन में है और आपसे मदद मांगता, आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 250 kg। प्रश्न संख्या 42। PNR में कितने अंकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 अंक के PNR नंबर होते हैं। प्रश्न संख्या 43। आसनसोल मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट लोडिंग पॉइंट नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, DSEY। प्रश्न संख्या 44। निम्न में से कौन सा वैगन समान रूप से कोयला लोड करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, BOBR। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा वैगन आमतौर पर रेलवे उपयोग के लिए स्लीपर लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BRN। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजभाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 47। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र क में या ए में। प्रश्न संख्या 48। राजभाषा नियम कब पारित किए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूची भाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंडारी। प्रश्न संख्या 50। राजभाषा पर महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 51। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी कब मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 52। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 53। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 54। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GST। तो दोस्तों आप लोग को आप लोग के डिमांड पर ये था आसनसोल डिवीजन में हुए 5 मार्च 2023 के 15% LDC कोटा के तहत जो गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का जो एग्ज़ाम होता था उसके प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको प्रमोशन से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।